ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पुलवामा अटैक को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं और हमारे जवानों की शहादत का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों पर सवाल उठाने वाले भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बेहद हास्यास्पद है। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ सहित कांग्रेस के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के बागेश्वर धाम सरकार के चरण में पहुंचने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया, छलावा किया, ऐसी कांग्रेस की कथनी और करनी के बारे में प्रदेश के आम लोग भली भांति जान चुके हैं। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने लिए जमीन भी नसीब नहीं होगी। हमारे देश के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया। जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। और जितना हम लोग ऐसे लोगों की जो व्याख्यान रही है उसकी निंदा करेंगे, जितना निंदा करेंगे वो कम होगी।